कश्मीर में धारा 370 हटाने का इंतजार देशवासियों को काफ़ी लंबे समय से था। आज जैसे ही कश्मीर में धारा 370 हटाने की खबर देशवासियों को लगी तो पूरे देश में उत्साह का माहौल हो गया। जहां पूरे देश के लोग कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बधाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग मिठाइयां बांट कर जश्न मना रहे थे। इसी के चलते कस्बा टीकरी के दुर्गा चौक पर भी लोगों द्वारा जश्न मनाया गया। लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया और ढोल की धुन पर थिरकते नजर आए। राजन जी, क्या खुशी मनाई जा रही? आज न्यूज भाजपा सरकार ने जो 70 साल से 370 का काम चल रहा धारा हटाने का, वो आज उन्होंने पूर्ण कर दिया और हम कस्बा टीकरी मंदिर के चौक में जश्न मना रहे। बहुत लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वह करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब वहां पर रहना आसान होगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित राठी है। रोहित जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है, जश्न क्यों मनाया जा रहा है? जी, जो हम 72 साल से कश्मीर से धारा 370 हटाने का सपना देख रहे थे वो आज पूरा हुआ है। उसी के कार्यक्रम में हम आज ये खुशी मना रहे हैं कि ये सपना आज पूरा हुआ और जो वहाँ पर हमारा उन्नति का जमीन खरीदने का और जो नौकरी का मतलब हमारे यहाँ से जाकर सपना था वो पूरा कर सकेंगे, इसलिए भाजपा सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नाम सरोज रखी है। सरोज जी, क्या कार्यक्रम कर रहे हो? जी, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि जो धारा 370 है जो कश्मीर पे 70 साल से लगी हुई थी, आज वो बीजेपी सरकार ने हटा दी है। इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम इस उपलक्ष में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? यासीन शेफी, कस्बा टीकरी, बागपत। जी, खुशी क्यों मनाई जा रही? ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम, 370 और भी है, ये भाजपा की मेहरबानी है। और सुन लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलचिता हमारा, मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हम भारत।